फाइलों के दांतों के बीच हंसी धातु को चिप्स को हटाने की विधि क्या कहलाती है? कॉपर स्ट्रिप, छोटे छोटे व्यास, छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? टूल मेकर वाइस का उपयोग किया जाता है। किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? तो फ्लेक्सिबल ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जा सकता है? तो क्रॉस कट चीजल का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। हथौड़ा में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पेन है। छेनी धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है? छेनी के धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य है कि कोनों की खुदाई को रोकता है। धातु काटने की प्रक्रिया में टूल मेकर सरफेस में सेड़गरने को कैसे रोके? इंक्रीज क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर। आंसर सी, इंक्रीज क्लियरेंस एंगल। 158 के धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। टेनासिटी। कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है? बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है, एनविल है। इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है? डेप्थ माइक्रोमीटर। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को अरवर के द्वारा पकड़ा जाता है, बाई अरवर। कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है? कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है या रखा जाता है? आंसर सी, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? तो सी, आंसर सी, बीएसडब्ल्यू धागा। इस टैप रेंज का नाम क्या है? सॉलिड टाइप टैप रेंज। 165 नंबर क्वेश्चन, टैप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? टैप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र है, टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 2 गुने गहराई। टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 2 गुने गहराई। कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसना और आवाज करने का कारण बन सकती है? टू स्लो फीड रेट, बहुत धीमी गति से फीड दर। इंच ग्रेजुएशन का साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग है 1.418। कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित जांचने के लिए किया जाता है? तो स्क्वायर हेड का उपयोग किया जाता है। एंगल प्लेट में रिप्स क्यों प्रदान किया जाता है? तो प्रिवेंट डिस्टोर्शन, विकृति को रोकने के लिए एंगल प्लेट में रिप्स प्रदान किया जाता है। इस भी ब्लॉक के प्रकार को पहचाने, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप। आंसर सी। 171 क्वेश्चन, स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फॉर्ग हो सकता है? तो आंसर में बी। 5 बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 237, विच टाइप ऑफ फिलर रोड इज यूज इन गैस वेल्डिंग ऑफ ट्रेनिज स्टील? स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर छड़ का उपयोग किया जाता है? तो कोलंबियम स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है।
इस गैस बिल्डिंग दोष का नाम बताइए, तो लैक ऑफ फ्यूजन। इस गैस बिल्डिंग दोष का नाम है लैक ऑफ फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 239, यदि नोजल मोल्टन मोल्टन पुल को छूता है तो क्या होगा? यदि नोजल मोल्टन पुल को छूता है तो बैक फायर होगा, नहीं पीछे वायर वायर का फायर होगा, आग लग सकती है। क्वेश्चन नंबर 240, आर्क वेल्डिंग में जो हम आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम क्या है? इस जोड़ का नाम क्या है? आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम है हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट। हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट।